सोमवार के दिन केवड़ात्रि है, उस दिन हो सके तो उपवास करो, उपवास न हो सके तो फराण करो, फराण करे संतोष न हो तो एक समय भोजन करो। लेकिन इस दिन भगवान शिव का पूजन करे केवड़े पुष्प से, महादेव को केवड़ा का पुष्प चढ़ाया जाए, और एक समय भोजन करे संतोष न थे तो दो समय भोजन करे, और दो समय भोजन न करे संतोष न तो तीन समय। भानदास कहे भरू रेट पेट तो मौजू करे मन, लेकिन केवड़ा त्रिज के दिन दिन को 12 बजे से पहले भगवान महादेव को केवड़ा का पुष्प अर्पण करना है। ये व्रत सब लोग कर सकते हैं, मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत है और शिव में प्रीति जगाने वाला व्रत है, प्रतिष्ठा सम्मान सुगंध देने वाला व्रत है। इसलिए सोमवार के दिन भाइयों भी व्रत करेंगे, बहनों भी व्रत करेंगे, सब व्रत करेंगे। और जब भगवान केवड़ा त्रिज का दिन शिव का पूजन और केवड़ा का पुष्प महादेव को अर्पण करने के बाद इस केवड़े के फूल में से एक पान लेकर सभी बहनें अपने मस्तक पर हेयरपिन बनाकर बक्कल की तरह अपने मस्तक पर रखेंगे पूरे दिन। सुबह में केवड़ा का पुष्प चढ़ाया, दिन को 12 बजे पहले एक इनमें से पान ले लिया और बक्कल जैसा बनाकर आप अपने मस्तक पर रखें। और पुरुष पुरुष एक पत्ता लेकर अपने कान पर रखें, क्योंकि भद्रम कर्ण विष्णु याम देवा कान पर रखें। और भगवान के ऊपर से लिया हुआ नमन बिली पत्र हो, पुष्प हो, ये जेब में रखना चाहिए अथवा कान पर रखना चाहिए। बहने को भगवान के ऊपर से पुष्प ले लिया तो बहन अपने मस्तक पर रख सकती है, चोटले में, अंबोड़े में, लेकिन हमारा तो अंबोड़ा चोटला होता नहीं इसलिए हम सब कान पर रखेंगे, ऐसे कान पर रखेंगे। भगवान ने ऊपर चढ़ाया हुआ उसको नमन कहते हैं, आपकी भाषा में आंचका भी कहते हैं, उसको कान पर रखा जाए। केवड़ात्रि सोमवार है, कलेश में से मुक्ति मिलेगी, रोग में से मुक्ति मिलेगी, उत्पात में से मुक्ति मिलेगी, दुख में से छुटकारा मिलेगा, बंधनों में से मुक्ति मिलेगी। जो कोई मनुष्य भादो मास की शुक्ल पक्ष की तीज के दिन शिव जी के केवड़े से पुष्प का पूजा करेंगे उसकी मनोकामना महादेव जी पूर्ण करेंगे, ये महिमा है उसकी।